Hello everyone. I am Gurudat, Assistant Professor in the Press Law College. This is the nineteenth video lecture of Law of Evidence, and in this video we'll be dealing with competency and compilability of witnesses. So let's start. See, as far as Indian Evidence Act is concerned, Section 118 and to Section 121 and Section 133 of this Act provides for competency of witnesses, whereas Section 121 फॉर जजेज एंड रजिस्ट्रेड एंड सेक्शन वन थर्टी टू डील्स विद द कम्पेलिबिलिटी ऑफ द विटनेस सो लेट्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंपीटेंसी एंड कंपेलीबिलिटी कंपेटेंसी इज क्या आपकी योग्यता एक एविडेंस एज ए विटनेस कोर्ट में एविडेंस देने की कंपेटेंसी आपकी योग्यता की बात करता है क्या आप एलिजिबल हैं क्या आप, आपकी आप कंपीटेंट हैं टू गिव एविडेंस इन द कोर्ट उसकी बात करता है कम्पिटेंसी जैसे अगर आप जनरल रूल है कि अगर आप स्वस्थ हैं आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं तो आप कंपिटेंट हैं ये जनरल रूल है कंपेल कंपेलिबिलिटी बात करता है क्या कोर्ट आपसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ पूछ सकता है ज़बरदस्ती से मतलब है कि क्या कोर्ट कोई आप कोई चीज़ आपको कंपेल कर सकता है कि आप आंसर करें अगर अगर आपको कंपेल किया जा सकता है तो आपकी कंपेट टेस्ट की जाती है उसमें अब हम जनरली देखते हैं ये स्लाइड थोड़ी डिस्टॉर्टेड है आप एक साथ पढ़िएगा पूरी स्लाइड को आप एक साथ पढ़िएगा पूरी स्लाइड को डिस्टिंगशन देखते हैं बिटवीन कंपिटेंसी एंड कंपेलेबिलिटी कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस में भी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हिज कंपेलेबिलिटी एंड फ्रॉम प्रिविलेज वो दोनों से अलग होती है प्रिविलेज से भी अलग होती है और कम्पिटेंसी से भी अलग होती है अब विटनेस इज सेड टू बी कम्पीटेंट व्हेन देयर इज नथिंग इन लॉ टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग सोन एंड एग्जामिन इफ ही विशेष टू गिव एविडेंस वो आदमी कंपिटेंट कब होगा जब उसको कोई लॉ में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको रोक सकती है विटनेस देने से या विटनेस बनने से एविडेंस देने से अगर ऐसी कोई चीज कानून में नहीं है जो उसको रोक सकती है तो वो एक परफेक्टली कंपिटेंट विटनेस हो जाएगा एज अ जनरल रूल दो एज अ जनरल रूल इज दैट अ विटनेस हुई इज कंपिटेंट इज ऑल्सो या इज़ ऑल कम्पेलेबल येट देर आर केसेज वेर आर विटनेस में बी कम्पिटेंट नॉट बट नॉट कम्पेलेबल तो जनरल रूल है कि जो भी आदमी कंपीटेंट है मतलब अगर मैं कम्पिटेंट हूँ कोर्ट में गवाही देने के लिए तो मुझे कोर्ट कंपेल भी कर सकता है कंपेलेबिलिटी भी मैं कंपेलेबल भी हूँ कि कोर्ट अगर मुझसे कुछ पूछता है तो मैं उसको सही सही बात बताऊँ ये जनरल रूल है बट इसके एक्सेप्शंस हैं सोवरिया एम्बेसडर्स जैसे अम्बेसडर हो गया कोई कोई मान लीजिए अमेरिका का या पाकिस्तान का अम्बेसडर हो गया पाकिस्तान का अम्बेसडर इंडिया में रहता है और वो एज ए कम्पिटेंट विटनेस है वो अडल्ट है मेल अडल्ट है और मेल फीमेल मतलब उसके पास उसके दिमाग की हालत भी सही है कोई डिजीज भी नहीं है वो एकदम कम कम्प्लीटली फिट है तो वो कम्पिटेंट विटनेस हो गया उसके बाद भी उसको कंपेल नहीं किया जा सकता एविडेंस देने से क्योंकि वो एम्बेडर है तो कुछ इम्यूनिटीज़ है उसके ऊपर कुछ सॉवरेन इम्यूनिटीज़ उसको पाकिस्तान के एम्बेसडर होने की वजह से मिलती हैं कि उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कोई चीज़ पूछने के लिए तो इसीलिए कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं जहाँ पे कोई आदमी कम्पिटेंट हो सकता है बट उसको कंपेल नहीं किया जा सकता एविडेंस देने से इन जनरल 118 से लेकर एक तक इस पार्ट से डील करता है मतलब कौन सा विटनेस कंपेलेबल होगा कौन सा विटनेस को कम्पिटेंट होगा कौन से विटनेस प्रिवलेज होंगे जिनके पास स्टेट या फिर प्राइवेट ये सब जो है सेक्शन 118 से 134 के बीच में डील किया गया है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस रिफर्स टू द कैपेसिटी और एबिलिटी और क्वालिफिकेशन टू गिव एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ पर डिस्कस कर ही चुके हैं हम ये चीज़ कि कौन कॉम्पिटेंट है जो जिसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए पहली चीज़ तो है कि वो कोर्ट में गवाही दे सके एबिलिटी होनी चाहिए कि गवाही दे सके और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो गवाही दे सके ऐसे लोग जो हैं वो कम्पिटेंट हो जाते हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस और विटनेस इज से टू बी कम्पिटेंट वैन देर इज नथिंग इन लॉ जब ये जनरल रूल है वैन देर इज नथिंग इन लॉ टू प्रीवेंट हिम और हर फ्रॉम अपियरिंग इन दी कोर्ट एंड गिविंग विटनेस अगर कोई ऐसी चीज़ कानून के अंदर नहीं है जो आपको रोक रही है विटनेस गवाही देने से तो आप गवाही दे सकते हैं वेयर विटनेस इज कम्पिटेंट डिपेंड्स अपॉन इज कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड द कैपेसिटी टू गिव रेशनल आंसर देयर टू तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखी जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि जो क्वेश्चन आपसे कोर्ट में पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन विच इज बिंग आग टू यू इन द कोर्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन वेरी क्लियरली एंड आंसर इन अ प्रॉपर वे अगर आप क्वेश्चन समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं तो यू आर कंपिटेंट विटनेस अब जरूरी नहीं है कि आप मुँह से बोल के आंसर दें या आपसे मुँह से बोल के क्वेश्चन पूछा जाए कुछ लोगों को सुनाई नहीं पड़ता डेफ होते हैं तो वो हो सकता है कि इशारों से उनसे क्वेश्चन पूछा जाए साइन लैंग्वेज से उनसे क्वेश्चन पूछा जाए हो सकता है वो साइन लैंग्वेज में आंसर दे या फिर कुछ लोग हैं जो रीडिंग uh, कर सकते हैं तो उनको लिख के कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो लिख के आंसर दे ये सब चीज़ जो सब कुछ है कंपिटेंट बनाता है आपको अगर आप समझ सकते हैं क्वेश्चन और आंसर दे सकते हैं सेक्शन जो एक सौ अट्ठारह है ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इट सेज दैट ऑल पर्सन शेल बी कम्पीटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम और गिविंग रेशनल आंसर टू दो क्वेश्चन By टेंडर ईयर्स एक्सट्रीम ओल्ड एज डिजीज़ और वेदर बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड मतलब कोर्ट कहता है कि इन जनरल रूल है कि सब कोई विटनेस देने विटनेस देने के लिए, के लिए है। मतलब विटनेस बनने बनने के लिए, लिए कम्पिटेंट है जनरल रूल है बट कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कुछ लोगों को डिक्लेयर करने से कि ये लोग विटनेस नहीं दे सकते हैं ये कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शनरी पावर है इंडियन रेविडेंस एक्ट का एक कोर्ट को ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर देता है अब इस पावर में अगर कोर्ट को लगता है कि कोई अपने कम एज की वजह से टेंडर एज की वजह से या बहुत एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से बहुत बुरा हो गया हो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है आंसर नहीं दे पा रहा है तो कोर्ट उनको डिक्लेयर कर सकता है कि इनकम्पीटेंट विटनेस है या किसी बीमारी की वजह से चाहे वो मानसिक रूप से बीमार हो चाहे शारीरिक रूप से बीमार हो या ऐसे किसी और वजह से भी अगर कोई क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है क्लियरली आंसर नहीं दे पा रहा तो कोर्ट कैन डिक्लेयर दैम एज अ इनकम्पीटेंट विटनेस एक एक्सप्लेशन इसमें ऐड किया गया है कि जो ल्यूनेटिक होते हैं ल्यूनेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं आई एम नॉट श्योर शायद मतलब मानसिक रूप से बीमार होते हैं जो लोग या आ, कम समझने की एबिलिटी होती है जिनके अंदर पागल शायद तो बहुत सही नहीं है तो ल्यूनेटिक जो लोग होते हैं वो भी कम्पिटेंट विटनेस होते हैं अगर वो क्वेश्चन समझ पाए और क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ल्यूनेटिक किसी विटनेस को लेकर जाते हैं कोर्ट में और उसने बाई चांस कोई क्राइम होते देख लिया कोई मान लीजिए सड़क पे था जो Uh, कोई सड़क पे व्यक्ति था जो uh, सड़क पे भीख मांगता था या फिर पागल टाइप लगता था उसने कोई मर्डर होते देख लिया तो वो भी कंपिटेंट विटनेस बन सकता है कोर्ट में अंटिल एंड एनलेस उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और वो आंसर आप क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए तो टेस्ट ऑफ कंपिटेंसी वही चीज़ होती है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रेशनल आंसर यही होती है टेस्ट ऑफ कंपिटेंसी कोई बहुत नशेड़ी हुआ रंगकेड हुआ याटिक हुआ वो भी अगर ये काम कर पा रहे हैं तो वो भी आंसर दे सकते हैं सिमिलरली कोई बच्चा हुआ बहुत छोटा बच्चा हुआ बारह ग्यारह साल का दस ग्यारह साल का वो भी अगर समझ पा के आंसर दे क्वेश्चन समझ के आंसर दे पा रहा है तो वो भी एक कम्पीटेंट फिटनेस की तरह कोर्ट में एडमिट किया जा सकता है कुछ कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ में बच्चों को या लेनेटिक्स को विटनेस नहीं माना जाता है इसलिए ये सेक्शन इंडिया के केस के में इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 138 की बात करते हैं अब हमने इस इसी वीडियो में मैंने आगे ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन भी पढ़ लिया है तो क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है इसको भी इसी में कर ली इसी वीडियो में कर लीजिए आप हम ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं सेक्शन वन सेक्शन वन हंड्रेन थर्टी सेवन में जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ को डिफ़ाइन किया गया है क्रॉस एग्जामिनेशन को डिफ़ाइन किया गया है और री एग्जामिनेशन को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन वन हंड्रेड थर्टी एट में सेक्शन वन हंड्रेड थर्टी सेवन के बाद सेक्शन वन हंड्रेड थर्टी एट जो आता है इसमें जो डील किया गया है वो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन डील किया गया है कि कोई विटनेस है अगर तो उसको कैसे एग्जामिन किया जाएगा तो इसमें कहा गया है कि पहले जो है उसका एग्जामिनेशन जो है वो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ के द्वारा होगा एग्जामिनेशन इन चीफ वो होता है जिसने विटनेस को इंट्रोड्यूस किया है मान लीजिए दो पार्टीज़ की लड़ाई हो रही है ए और बी में अब ए ने कोई विटनेस ए कोई विटनेस लेके आया कि भैया ये मेरा ए मैं हूँ मैं पार्टी हूँ और मैं विटनेस लेके आ रहा हूँ ये विटनेस सी है इसको कोर्ट में कोई लेके आया तो सबसे पहले विटनेस से क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है सेक्शन 138 जो उसको अधिकार देता है द राइट वो सेक्शन 138 देता है एग्जामिनेशन इन चीफ को मतलब जिसने विटनेस लेके आया जिस पार्टी ने विटनेस लेके आया वही पहले क्वेश्चन पूछेगा जब वो सारा क्वेश्चन पूछ लेगा तब ये पावर चली जाएगी क्रॉस एग्जामिनेशन की अपोजिट पार्टी के पास तब क्रॉस एग्जामिनेशन करने अपोजिट पार्टी आएगा और उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ उन्हीं बातों पे होगा जो रिलेवेंट फैक्ट होंगे इन फैक्ट का क्रॉस एग्जामिशन या एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इन चीफ कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अब क्रॉस एग्जामिनेशन के पास एक और पावर है कि वो लिमिट नहीं होता है एग्जामिनेशन इन चीफ से मान लीजिए एग्जामिनेशन इन चीफ सिर्फ पाँच ही क्वेश्चन पूछता है फैक्ट्स रिलेटेड या फैक्ट इन इशू रिलेटेड क्रॉस एग्जामिनेशन वाला चाहे तो उस पाँच क्वेश्चन के बाहर के क्वेश्चन भी पूछ सकता है मतलब सिर्फ ये ऑर्डर डिसाइड है ऐसा नहीं है कि दायरा बन जाता है आपका ऐसा कता ही नहीं है कि जो एग्ज़ामिनेशन चीफ पूछा है क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिट पार्टी सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे उसके बाहर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई दायरा लिमिट नहीं होता है इसका अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया अब मान लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नए फैक्ट्स निकल के आ गए उस विटनेस के द्वारा कुछ नए फैक्ट्स बताया गया, गया कोर्ट में तब उसका दोबारा जो एग्जामिनेशन चीफ है वो उसको दोबारा री एग्जामिन कर सकता है और दोबारा री एग्जामिशन करने की पावर है एग्जामिनेशन चीफ के पास क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में कोई नई चीज़ निकल के आई तो उसको एग्जामिनेशन चीफ री एग्जाम री एग्जामिन कर लेगा फिर अगर री एग्जामिन में कोई नई चीज़ निकल के आई तो दोबारा से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिट पार्टी कर सकता है मतलब कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है इस साइकिल में तो एक बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है एक बार अपोजिट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है जब तक कोर्ट परमिट करता है ये साइकिल चल सकती है और जब तक सच सब सारी बातें सच निकल के बाहर ना आ जाएँ तो यही है सेक्शन एक में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है बाकी आप आसपास के सेक्शंस भी इसकी रीडिंग लगा लीजिएगा ज़्यादा बड़ा है नहीं एविडेंस एक्ट अब लास्ट वीडियो में हम प्रिविलेज़स पढ़ेंगे जो इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड करता है कुछ स्टेट प्रिवेलेजेस और कुछ प्राइवेट प्रिवेजेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड खासकर उसके साथ ही हमारा सिलेबस जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट वीडियो भी आप देख लीजिएगा थैंक यू